गाइस वेलकम टू लेट्स कुक इट। वेल आज हम लेकर आए हैं आलू की वो स्पेशल मसालेदार सब्जी जिसे आपने शादियों में, पार्टियों में या भोज में खाया होगा, पर जब आप इसे घर पर बनाते तो इसमें वो स्वाद नहीं आ पाता है। तो आज हम बनाते हैं भोज वाली वही स्पेशल आलू की सब्जी जिसका स्वाद इतना जबरदस्त होगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। चलिए बनाते हैं। भोज वाले स्पेशल आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 6-7 उबले हुए आलू जिसे मैंने 3 विसल आने तक प्रेशर कुक किया है, 2 मीडियम साइज प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टमाटर जिसका हम प्यूरी बना लेंगे, लहसुन और अदरक जिसका हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक, धनिया पत्ती, ड्राई स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 2 बड़ा चम्मच घी। खड़े मसाले में हमें चाहिए 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 1 जावित्री, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया और 1 तेजपत्ता। इसे हम ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस लेंगे। तो आइए बनाते भोज वाली स्पेशल आलू की सब्जी जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसे ऑलरेडी हीट कर लिया है। इसमें हम घी डालेंगे, घी को थोड़ा पिघलने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, थोड़ा सा जीरा और 1 छोटी दालचीनी। अब हम अनियन फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम मीडियम पे रखेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम ये बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे, हरी मिर्च, साथ ही साथ हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारा जो अदरक और लहसुन का जो कच्चापन का जो महक है वो निकल जाएगा। सारा कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। इसे भी हमें अच्छे से पका लेना है ताकि टमाटर का जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। अभी हम इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी पक जाए। टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही साथ जो गरम मसाला हम लोगों ने रोस्ट करके पीसा था उसे भी हम डाल देंगे। अभी अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला भूनते समय जले नहीं। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इससे ऑयल सेपरेट होना ना शुरू हो जाए। बीच बीच में अगर आपको लगे कि आपका मसाला ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, तो इसमें हल्का सा पानी स्प्रिंकल करें ताकि आपका मसाला भूनते समय जले नहीं। जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हम आलू को काट लेंगे। तो आलू को हम बड़ा बड़ा ही काटेंगे, बल्कि इसे सिर्फ 2 टुकड़ों में रखेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू को काट लेंगे और एक बार जब मसाला फ्राई हो जाएगा तब मसाले के साथ हम आलू को भी भून लेंगे। अब देख सकते हैं मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि आलू हमारा टूटे नहीं।
आलू जो है वो हमारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। करीब मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भोज वाली सब्जी जो होती है उसकी उसका जो ग्रेवी होता है वो ना ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ज़्यादा पतला होता है, तो हमें उसी कंसिस्टेंसी में इसे रखना है। इसे हम लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे हम इसे ढककर पकाएंगे। करीब 5 मिनट तक ढक के पकाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देंगे और अब इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, धनिया पत्ती, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हमारा भोज वाला स्पेशल आलू की सब्जी एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। मसालेदार और मजेदार आलू की सब्जी एकदम तैयार है, इसे आप भी जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं एक और खास रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।